नमस्कार, मैं कल्पनाथ राजभर और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव इंडिया। तो आइए इसी क्रम में हम लेकर चलते हैं आगामी 2022 का जो चुनाव का सिलसिला जो चल रहा है और कल की डेट से जो आचार संहिता लगा हुआ है उस पर हम फोकस करेंगे। उसको मद्देनजर रखते हुए, कोरोना काल को हम देखते हुए, हम चुनाव पे फोकस करेंगे कि इसकी सरकार बनाना चाहते हैं। इस वक्त मैं जो मौजूद हूँ मऊ जिले के रतनपुरा क्षेत्र के जो अंतर्गत आता है, जो खैचा ग्राम सभा का ये चट्टी है, और यहाँ पे मैं उपस्थित हुए हैं। यहाँ के लोग किसकी सरकार बनाना चाहते हैं और किस मुद्दे को लेकर के सरकार बनाना चाहते हैं, तो आइए इसी क्रम में कुछ लोगों से हम पूछते हैं कि किसके वो सरकार बनाना चाहते हैं। व्यक्ति से हम जुड़े हुए हैं, इनसे पूछेंगे कि किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। जी, अपना नाम बताइए। जी यादव जी, बताइए किसकी सरकार आप बनाना चाहते हैं। हमारे कुछ होगा नहीं, जनता मतलब बनाना चाहती है। हम लोग मतलब अपनी इच्छा है कि बनाना है पूरी जनता का। तो ऐसे कौन सा ऐसा मुद्दा है जिनको लेकर के अखिलेश यादव जी का सरकार बनाना चाहते हैं? लोग परेशान हो चुके हैं, चाहे योगी जी से और भाजपा से लोग परेशान हो चुके हैं। क्या विकास नहीं कर रहे? विकास कर रहे हैं, मगर जो 2000 रुपया दिए हैं ये एकदम जैसे देखा जाए तो साल भर में 5 रुपये महीने हो जा रहे हैं। मतलब होने वाला नहीं, अगर खाद का काम कम कर दें, बिया कम कर दें, मुझे होता 2000 तो किसानों को दिए हैं, ये एकदम मतलब गलत है। क्या गाँव सबको फ्री में राशन मिल रहा है? राशन तो मिल रहा है, दाल मिल रहा है, मिल रहा है, चना मिल रहा है, तेल मिल रहा है, नमक भी मिल रहा है। तो क्या ऐसे धरातल पे जो दिख रहा है जो योजना, ये तो ठीक ही है ना? कोई सरकार ऐसी नहीं आई थी 2000 किसानों को दे रहे हैं, ऐसे तो ऐसे काम ये सब नहीं। हम लोग खाद कम कर देते तो अच्छा होता हम लोग का। फ्री में सब कुछ चावल दाल वगैरह दे रहे हैं। चावल दाल से कुछ नहीं होने वाला है, चावल दाल से कुछ नहीं होने वाला है। फ्री में सिलेंडर भी दिए थे, फ्री में सिलेंडर दिए थे, तो वो सब उल्टा पुल्टा सब है, ये समझ नहीं। उधर का उधर हम लोग फ्री का नहीं दिए हैं, अब नहीं लिए सब्सिडी कटता है। ये तो सरकार सबका है ना, आपका भी सरकार है, आप नहीं ले रहे। प्लेस तो पूरा भारत चला नहीं पाएंगे, उनको तो यूपी चलाना है ना। जो भी होगा हम लोग मतलब सोच रहे हैं कि अपना यूपी बचा लें और जो भी हो देखा जाएगा फिर। तो मुद्दा तो बताइएगा, दो मुद्दा बताइए कौन सा मुद्दा है। उनका काम ठीक ठाक चलता है, ऐसे नहीं चलता है, दुकान काम ठीक ठाक चलता है। आए हैं सब्जी का जो दुकान लगाए हुए बैठे हुए हैं, दादाजी हैं और एक बालक भी बैठे हुए हैं, सब्जी भी बेच रहे हैं और देखते हैं कि महंगाई कितना है और किन की सरकार भी बनाना चाहते हैं। अच्छा दादा, ये बताइए आप ही का दुकान है? अच्छा, आपका दुकान है। तो महंगाई उंगाई मतलब ज्यादा है कि कम है? महंगाई कहाँ कम, ज्यादा ही है। सब्जी उब्जी इतना लगाए हैं, क्या बिक उक रहा है कि नहीं? बहुत तनी मनी बिक रहा है। अब देख सकते हैं कि महंगाई को लेकर के है ना, खरीदारी करने भी लोग नहीं आ रहे हैं। और ये इसी क्रम में हम पूछेंगे, चुनावी जो चर्चा जो चल रहा है, इसे अच्छा ये बताइए कि कौन सी सरकार आप लाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? जब हमसे बतावला से सरकार लाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोदी सरकार जिंदाबाद के नारा लगाया जा रहा है, जबकि राज्य मंत्री का जो राज्य मंत्री का चुनाव है, मोदी जी का नहीं है, तो आप योगी जी के नारा नहीं लगा रहे? 101% बाबा जी को तो जिंदाबाद करना चाहिए। बिल्कुल जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद, 101% डिग्री है। तो योगी जिंदाबाद, देखिए योगी जी के जिंदाबाद लगा रहे हैं। योगी करके योगी बाबा के पहले तो मोदी जी का सरकार लाना चाहते थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन जबकि बताया जा रहा है कितना उत्सुकता के साथ ये योगी जी का सरकार बनाना चाहते हैं। मैं कल्पनाथ और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव इंडिया। नमस्कार।